जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम समझते हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण, यानी अल्कोहल किससे किससे क्रिया करता है। तो एक सवाल है आप लोगों के लिए, वो बताइएगा एथेनॉल और मेथेनॉल का सूत्र है। तो जो भी ऑप्शन सही है कमेंट में भर दीजिए कमेंट को लिखकर। चलिए आज हम देखते हैं अल्कोहल अम्लीय प्रकृति उसकी, यानी कि वो एच प्लस कैसे देता है और उसके साथ साथ एस्टरीकरण यानी वो एस्टर कैसे बनाता है। एस्टर का सूत्र होता है आर सी ओ ओ आर डैश। और निर्जलीकरण यानी कि यहाँ से अल्कोहल से कैसे जल बाहर निकलेगा। और तो जब भी अल्कोहल में आप उंगली उंगली डुबा के रखेंगे ना, एकदम चुचुक जाएगा, मतलब वहाँ का वाटर बाहर आ जाएगा। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन से ये कैसे क्रिया करता है। और बी हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को कैसे बाहर निकालेगा। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या है अम्लीय प्रकृति। ये देखिए CH3CH2OH यही क्या है अल्कोहल। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मैं दे दूँ तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर प्लस और जो देता है उस पर माइनस, CH3CH2O- आ गया यहाँ पर और प्लस एच प्लस। तो जो भी एच प्लस देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। बोलो हाँ या ना। हाँ भाई कहलाता है अम्ल। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, ये है आपका एथॉक्साइड आयन। ये क्या है एथॉक्साइड आयन, बोलो क्या है ये एथॉक्साइड आयन। और ये क्या है हाइड्रोजन आयन। तो एच प्लस दिया अम्ल कहलाएगा। देखिए अगर अम्लीय प्रकृति देखेंगे ना तो जो ये आर ओ एच होती है इससे ज्यादा अम्लीय होता है एच टू ओ वाटर, और इससे भी ज्यादा अम्लीय होता है फिनाल, क्या AROH, यानी इसी को क्या कहते हैं फिनाल। और उससे भी ज्यादा अम्लीय होता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या है अम्लीयता का बढ़ता क्रम, क्या है अम्लीयता का बढ़ता क्रम। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसी एल्कोहल पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करें तो जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड एल्कोहल और थर्ड एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये है RCH2OH, ये है प्राथमिक। अगर हम द्वितीयक देखूं तो देखिए ये R, ये CH, ये R और ये OH। और अगर तृतीयक देखूं तो R, C, R और ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है इस C के पास ये जो C है ये जुड़ा हुआ है एक से, इससे जुड़ा है एक से, तो इसके पास एक खो कार्बन वाला है या फिर जिसमें जितने भी उसमें हो। लेकिन यहाँ देखिए ये दो कार्बन से जुड़ा है और ये तीन। तो यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्रुवता कम होती जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और जो ध्रुवता है वो क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो इसी तरह इसीलिए ये जो आगे की इसकी अम्लीयता है ये भी कम हो जाती है, अम्लीयता क्या हो जाता है कम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी अम्लीयता कम हो जाएगी, यानी ब्रांच बढ़ी तो अम्लीयता कम। तो अगर आ गया कि इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो ये वाला है, फिर इन दोनों में ये, तो ये क्रम रहेगा। ठीक, अब इसी में हम देख लेते हैं, ये तो पहला था, इसी में हम देख लेते हैं एल्कोहल का धातु से क्रिया। क्या देख लेते हैं, धातु से क्रिया। तो आ जाओ भाई हेडिंग लिख लीजिए धातु से क्रिया। तो देखिए आपको एथेनॉल मेथेनॉल का तो सूत्र पता ही है, ये है C2H5OH। इसकी क्रिया अगर हम सोडियम धातु से कराऊं तो ठो सोडियम ले रहा हूं। तो देखिए ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, कक्षा 10 में याद करिए सक्रियता श्रेणी। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है उसको भगा देगा तो ये क्या बनेगा C2H5O और यहीं पर आ जाएगा Na, ये भी दो ठो लिए हैं और इधर आ जाएगा H2। तो हाइड्रोजन बाहर निकाला कि नहीं, हाँ निकाला। तो ये है इसका अम्लीयता का क्रम, ये क्या बन गया, ये है सोडियम एथॉक्साइड, क्या है सोडियम एथॉक्साइड। तो ये बताते हैं कि हाँ ये क्या है अम्ल है, क्या है अम्ल है, छाप लीजिए। अगला हम समझते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण यानी एस्टर का बनना, करण मतलब अपक्रिया, एस्टर यानी एस्टर वाली अपक्रिया, तो एस्टर बनेगा। देखिए यहाँ ये जो एच है ये OH जो है उस एच को बुला लेगा अपने पास, जब भी जल से, देखिए जब भी किसी सल्फ्यूरिक अम्ल का कहीं भी क्रिया कराए ना तो वहां जल बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आर ऐसे ही है, सी ओ ओ ये भी ऐसे रहेगा और आर डैश जाके यहीं जुड़ जाएगा, यहीं क्या जुड़ गया आर डैश और बाहर क्या निकलेगा एच टू ओ। यहाँ देख लीजिए, अब देखिए ये जो है ये यहाँ चला जाएगा और ये एच इधर चला आएगा तो क्या बनेगा
CH3COO, इधर C2H5 और प्लस में H2O, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट, यानी हिंदी क्या लिखोगे? जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर बनता है, या तो एथिल एसीटेट बनता है। छाप लीजिए, जल्दी से ले लीजिए इसका क्या स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला है निर्जलीकरण, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा। देखिए, जहां भी OH जुड़ा है, तो ये OH जिससे जुड़ा है वो है अल्फा, और उसके बगल वाला है बीटा। तो याद रखिएगा, अल्फा से निकलेगा OH, क्या निकलेगा? OH, और बीटा से निकलेगा H, और ये दोनों क्या बन जाएंगे? जल, और यही निकल जाएगा बाहर। कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो यहाँ से OH को निकालू और वहां से H को, तो देखिए ये जो CH3 था क्या हो गया? CH2, सिंगल बॉन्ड है ही, यहाँ CH2, ये OH भी निकल गया, यहाँ क्या हो गया? जल। अब इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया? एथीन। तो जब भी आपको एल्कोहल से कोई एल्कीन बनाना रहेगा तो निर्जलीकरण प्रयोग कीजिएगा, ठीक? अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखिए, ये तो है अल्फा, क्या है ये? अल्फा, और ये भी है बीटा, और ये भी है बीटा। तो चाहे जहां से एच निकाल दीजिए और उसका OH, देखिए ये क्या हो रहा है, ये ना जैसे ही ब्रांच बढ़ जाती है तो और कमजोर एसिड भी ले लेते हैं, तब भी ये हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं तो हो ही रहा है, कमजोर एसिड ले लेंगे तब भी यहाँ पर जल बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 ऐसे ही, और ये हो गया CH, तो यहाँ से OH गया और यहाँ से H, तो ये डबल बॉन्ड क्या बन गया? CH2, और इधर में जल। तो ये क्या है? इसको कहते हैं प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। अब जैसे एक ब्रांच और बढ़ी तो कम भी, देखिए और कमजोर एसिड ले लिए, 20% H3PO4, इसका क्या नाम है? ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। यहाँ 80% लिए थे, यहाँ 20%, तो अब क्या बन जाएगा? देखिए, ये है CH3 और ये C, तो ये क्या है? ये है अल्फा, और एक चाहे जिसको बीटा मान लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर क्या CH3, और यहाँ पर भी क्या CH3, और इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए प्लस H2O। यही क्या था? निर्जलीकरण, यानी जल बाहर निकल जा रहा है। तो एल्कोहल से एल्कीन बनाना रहेगा तो यही विधि प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी से इसका क्या करेंगे आप लोग? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखते हैं, देखते हैं इसकी क्रिया विधि। देखिए, ये जो H2SO4 था, ये H2SO4 टूट जाता है किस में? H प्लस में। इसमें H प्लस में, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, इस H2SO4 को हम ये लिख सकता हूँ, HSO4 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तो ये बन क्या जाएगा? H प्लस और प्लस में HSO4, क्या? HSO4 माइनस। तो ये जो प्लस वाला है इस पर आक्रमण कर देगा, प्लस वाला क्या किया? इस पर आक्रमण किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? ले लेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस किस पर आ गया? वैसे तो एच पे था, अब वहां जुड़ गया तो किस पर चला गया? ऑक्सीजन पे। तो देखिए, CH3 CH2, और यहाँ ओ है, यहाँ पर क्या आ गया? एच, और एक एच पहले से आ रहा है, और इस पर क्या आ गया? इस पर आ गया प्लस का चार्ज। क्या आ गया? प्लस का चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी का यहाँ वाला जो बांड है ये इसको क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इस पर तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा बोलो? माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस मिलकर कट जाएगा, तो आगे ये बनेगा क्या? ये हो जाएगा CH3 CH2, और इस पर क्या है? प्लस, और इधर बाहर क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया। अब देखिए, इस CH3 को हम ये लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या CH2, और इधर लिख दूँ H, लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूँ। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, यानी कि अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस पर CH2 और इधर भी CH2, इस पर प्लस है, इस पर माइनस, तो इनके बीच एक और बांड आ जाएगा, और H प्लस ये बाहर, प्लस में H प्लस बाहर निकल गया। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि निर्जलीकरण की अब क्रिया विधि, या क्रिया विधि लिखिए, ये 2023 में पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक स्पेशल नोट्स जानते रहिए, जब भी हम क्या करते हैं, एल्कोहल की संख्या बढ़ाएं और तापमान कम कर दें, तो क्या होता है? इससे डायरेक्ट एस्टर बन जाएगा, ईथर बन जाता है। तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्कोहल से बन जाता है ईथर। देखिए, ये जो है C2H5, रहने दीजिए C2H5, अब यहाँ का O ले लीजिए, इधर का OH ले लीजिए, क्या बन जाएगा? यहाँ का अगर O ले लीजिए और इधर का OH ले लीजिए तो क्या बनेगा? जल। यानी यहाँ O और वो जो C2H5 है, यहीं लाकर जोड़ दीजिए,
ये भी क्या है निर्जलीकरण, लेकिन ये कब हुआ तो ये नोट पॉइंट में जानते रहिए, स्पेशल केस है ये, क्या है स्पेशल केस। ये क्या बना है, इसको कहते हैं ईथर, क्या है ईथर, नाम है डाई एथिल ईथर, दो ठो एथिल है तो ये ईथर है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट क्या है ऑक्सीकरण, यानी अब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो होता क्या है, याद रखिएगा अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, तो वो बनाता है एल्डिहाइड, क्या बनाएगा एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो बनाता है कीटोन, क्या बनाएगा कीटोन। ये देखिए क्या है 1 डिग्री एल्डिहाइड, तो अब इसमें क्या होता है, ये OH जिससे जुड़ा है ये क्या है अल्फा, और बगल वाला क्या है बीटा। तो यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, देखिए यहाँ एक एच तो जाता है OH समूह से, ये जहाँ OH है एक एच यहाँ OH से निकल जाएगा और एक अल्फा से निकलेगा, तो कहाँ से निकलता है, तो यहाँ OH से एक एच बाहर हो जाएगा माइनस, और एक अल्फा वाले से हो जाएगा एच माइनस, यानी H2 क्या हो जाएगा यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो आपने पढ़ा है ना ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखिए इसमें कार्बन गिन लीजिए कितना है, 1 2, यानी 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा 2 कार्बन वाला, यानी CH3 हो गया और CHO कर दीजिए, 2 डिग्री वाला बन गया कि नहीं, यही क्या है एल्डिहाइड। अच्छा इसी को अगर और गर्म कर देंगे ना तो ये बन जाएगा CH3COH। तो देखिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी यहाँ एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बना, इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और तनिक गर्म कर दे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन जाता है। अब यहाँ 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से क्या बनेगा कीटोन, तो एक एच यहाँ से निकालना है एक अल्फा वाले से, तो एक देखिए क्या है CH3, अब यहाँ CH है तो एच गायब कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वहां निकालना है, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है तो OH है तो एच गायब कर दीजिए, ये देखिए क्या हो गया एसीटोन, क्या कहते हैं इसको एसीटोन। तो क्या बन गया प्रोपेनॉल से ये क्या है एसीटोन। अब एक बात याद रखिए, ये एक प्रकार का कीटोन है। अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, क्या लेते हैं प्रबल आक्सी कारक जब भी लेंगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन में नहीं बदलेगा, बल्कि ये सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, 2 कार्बन है तो देखिए CH3COOH, तो ये क्या हो गया एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है। और जो तृतीयक एल्कोहल है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देता, तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना दे तो छाप लो भैया। चलो हो गया, समझते हैं अगला। अगला क्या है, अगला है कॉपर, और ये क्या है बी हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन बाहर यहाँ निकलेगा, क्या हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो अब कैसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है एक अल्फा से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, तो एक OH समूह से जाएगा और एक अल्फा से, तो क्या बन जाएगा। तो देखिए जब भी प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, 2 कार्बन है CH3CHO, और प्लस में H2, इधर क्या है इधर भी CU रहेगा और कंडीशन सेम, तो ये क्या है CH3, फिर CH, एक यहाँ से हाइड्रोजन भाग गया इधर CH3, यहाँ पर O बना दीजिए, ये हो गया कीटोन, क्या बन गया कीटोन, प्लस में क्या रहेगा H2। और तो यहाँ पर जो ये तृतीयक है इसमें देखिए अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब भी तृतीयक एल्कोहल का क्या कराते हैं बी हाइड्रोजनीकरण, तो वो एल्कीन बना लेता है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ बीटा वाले से निकालेगा और एक यहाँ से, तो क्या बनेगा CH3 है ही यहाँ C, ये भी CH3 ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर ये हो जाता है CH2 और प्लस में H2, क्या हो गया H2, तो छाप लीजिए तो को जल्दी से, ठीक है यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है का, हाँ ठीक। चलिए ये क्या था, ये था, चलिए एल्कोहल की कुछ अन्य अभिक्रियाएं आपको जब हेलो एल्केन बना रहे थे बता रहे थे बनाने की विधि, तो उसमें पहला बताए थे एल्कोहल से क्रिया या शायद आखिरी वाला, तो ये वही का स्क्रीनशॉट है। तो जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे और वीडियो खोलेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, वहां आपको ये सब रिएक्शन मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, एल्कोहल की क्रिया किससे कराए हैं, तो एल्कोहल की क्रिया यहाँ करा दिए हैं एसिड से, किससे एसिड से, HCl से बन गया है RCl, यहाँ एल्कोहल की क्रिया, तो ये सब तो पहले वीडियो में भी देख सकते हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट है ये डार्जेन अभिक्रिया, जब भी एल्कोहल का यस तो SOCl2 से कराते हैं तो ये बनता है RClCO2HCl, तो ये वीडियो पिछला में देख लीजिएगा, बाकी तो आप सबको आपको पता ही है ये डार्जेन अभिक्रिया थी। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।